अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम वापस जा रहे हैं डेनमार्क, जर्मनी हैम्बर्ग से और अपने पुराने होटल से। फिर एक बार आप देख लें, बहुत ही पुराना है, व्यू है, देखिए पत्ते भी हैं बाहर से आ रहे हैं अंदर। आगे बस इसका एक चीज़ है, हमने पैसे जिससे दिए हैं अभी पता चला है कि आगे पानी है, झील सी छोटी सी है और बाकी यहाँ कुछ नहीं है। दोस्तों ये 1960s के ज़माने के फर्नीचर हैं और इस होटल में हमें मिले, आप समझ रहे थे कि अच्छा होटल है। धोखा हो जाता है कभी कभी, आप पूरा चेक करके देखें, फोटो भी हमने देखा नहीं। जल्दी में कभी ना होटल बुक करें तो आपको ऐसा होटल मिलेगा। ये देखिए हालात, दोस्तों ये देखिए, यहाँ पेन लगा हुआ है, देखिए ये ऐसे हालात हैं। ये देखिए बाथरूम में अभी पठान भाई गए, वो इससे वर्स है। जर्मनी में ऐसा भी होटल होगा? टाउन से 8 किलोमीटर दूर, कभी सोचा नहीं था। चलो खैर होता, यहाँ सस्ती जगह ऐसी होती हैं पर इतनी भी सस्ती नहीं। ये तो कोई मैं है, कोई आपको बहुत ही सस्ता हो तो कोई 20 यूरो को हो सकता है आपको मिले। उन्होंने हमसे इतने पैसे चार्ज किए, तकरीबन तकरीबन 100 यूरो चार्ज किए। दोस्तों अब सुबह हो गई है, न्यू ईयर्स डे है और जो नाश्ते वाली दुकानें ऐसे कैफीज वगैरह वो खुली हुई हैं और हम, मैं और पठान भाई, हम नाश्ता करने जा रहे हैं और नज़ारे देखिए यहाँ के। कोई जो है चला रहा है ये, और ये क्या होटल है, और दोस्तों मुख्तलिफ चीज़ें तो ऐसा नहीं है, ये चूज़ें, ये देखिए इनके पास ये ऐसे नाश्ता टाइप है, इसके पास ये है, खुद बैठा हुआ है, इनका किचन है। न्यू ईयर्स डे है और ये देखिए दोस्तों, जिस बेकार घटिया होटल पे हम ठहरे थे वो किसी अरबी का था और देख लीजिए ये कैसे तो बंदों को बेवकूफ़ बनाते हैं फोटो फेक इस्तेमाल करके। चलिए है, हम एक दिन ही रुकना था। ये देखिए दोस्तों, सुबह ये दुकानें खुली हुई थी पूरे 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 पूरे। ये देखिए चूजे चूजे परिंदे ही परिंदे, देखिए यहाँ दोस्तों कितने परिंदे बढ़ते हुआ। अमीन बराटा, ये देखिए स्पेन में मैं गया था एक बार तो वहाँ भी, ये देखिए कितना गंद है यहाँ, वो देखिए दोस्तों
दोस्ताना स्टोर, ये किसी अफगानी का है। वो देखिए यार, यहाँ ऐसे कोई पड़ा हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरत धूप उग गई है। यहाँ अगर आपने सुसू करना है तो आप टॉयलेट में जा सकते हैं। बहुत गंदी टॉयलेट है। दोस्तों ये देखो पुराने जमाने का फोन, यादें ताज़ा होगी। और ये कबूतर है। यहाँ भी सब कबूतर भी है। यहाँ भी सब, यहाँ भी सब काम। मैंने बोला है चाय पी है। दोस्तों ओके को हर दिन है उसके, और यहाँ दिन है उसके। दोस्तों सॉरी, हम पी लें कावा इनका। गेट खान प्लाजा, माशाल्लाह खान की शान, प्लाजे की पहचान। दोस्तों हम फारक हो गए हामबर्ग से, अब हम हामबर्ग से जा रहे हैं सीधा डायरेक्ट डेनमार्क। हाँ जा रहे हैं, फ्रेंसबर्ग जा रहे हैं, उधर थोड़ा सा खरीद करें। हाँ फ्रेंसबर्ग भी जाएंगे, फ्रेंसबर्ग भी जाएंगे, वहाँ खरीदारी करेंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये है जर्मनी। दोस्तों न्यू ईयर हमने यहाँ गुजारा था, ये जो टावर क्लॉक है, और देखिए बस यहाँ जर्मनी की बस हामबर्ग की। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से पठान बाइक आगे, फिर उसके बाद आपने लेफ्ट मारनी है, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हामबर्ग की मेन सिटी, और देखिए दोस्तों बिल्डिंग्स, दोस्तों जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम दिखाएंगे जब हम जाएंगे। दोस्तों ये जो है मेन पॉइंट है, यहाँ पे फायरवर्क्स मेन होते हैं, यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ से, यहाँ पे हम खड़े थे कल, क्रिसमस ट्री भी है। हामबर्ग का शहर, हम रवाना हो रहे हैं डेनमार्क। दोस्तों देखिए
वाइट सी बिल्डिंग है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मीनार सा ऊपर, पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं, कदीम जमाने की बिल्डिंग से ऊपर देखो ट्रेन जा रही है दोस्तों। ये देखिए, ये मीनार सा भी देखिए, ये भी कोई कदीम जमाने की बिल्डिंग है, ये भी कोई मुझे लगता है आजकल की कोई बनी हुई है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Wait. दोस्तों अभी पेट्रोल हमने गाड़ी पे डाल लिया और हम रवाना हो चुके हैं। हमारे उस एक बंदे से मुलाकात हो गए, वो इंग्लिश नहीं बोलता, कौन डच बोलता। हाँ यार, ये बहुत यहाँ नखरे करते हैं, इंग्लिश उनको आती है मेरे हाल में, लेकिन इंग्लिश यहाँ बोलना पसंद नहीं करते। तो फिर जब हम लोग आते यहाँ, आप देखिए अगर आप जर्मनी आए तो आप इंग्लिश आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है बोलना चाहते। हालांकि हो सकता है ये समझते, लेकिन यहाँ इंग्लिश नहीं वो बोलते, पसंद ही नहीं करते, तो इसलिए नखरे करते हैं इसलिए लोग। दोस्तों अब हम रवाना हो चुके हैं और हम जा रहे हैं हाईवे पे। देखो हाईवे पठान चला रहा है। देखिए दोस्तों टनल से हम जा रहे हैं और हाईवे पे चढ़ के यूरोप के ये हाईवे से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है पठान भाई, चमकदार चमक, यही तो बात है, ऐसे मौसम होना चाहिए। क्या नजारा है, सीधा कोपेनहेगन डेनमार्क वापस। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own. अब हम फ्लिंसबर्ग पहुंचते हैं। फ्लिंसबर्ग क्या है? जर्मनी में थोड़ा सा शहर है, इधर देखिए
करने चाहते हैं, सस्ता सौदा लेते हैं। यहाँ हम आए, यहाँ ये डेनिश लोग सस्ता लेते हैं चीज़ें जर्मनी के बॉर्डर में, तो हमने भी लिया है। देख सकते हैं ज़्यादा लो तो सस्ता होता है। जो है बॉर्डर शॉप थी यहाँ और हमने ले लिए। लौकी लिए खुली थी क्या से कहते हैं न्यू ईयर के दिन पे, जैसे आप देख सकते हैं झंडे भी लगे हुए हैं दोस्तों, झंडे भी लगे हुए हैं और डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड के झंडे, ये जो स्कैंडिनेविया के चार मुल्क हैं, ये चार मुल्क जो हैं मिला के ये खुद को कहलाते हैं स्कैंडिनेविया, डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन और ये फिनलैंड। अब मैं बाथरूम जा रहा हूँ, सॉरी अपने, अब मैं जा रहा हूँ गुस्ल खाने पेशाब करने, तो फिर मैं जो है आपको मज़ीद दिखाऊँगा। ऐसे कुछ है दोस्तों, यहाँ लोग जो हैं सस्ती चीज़ें लेने आते हैं जो डैनिश होते हैं बॉर्डर शॉप्स जो नज़दीक पड़ता है, आजकल जो ग्राम में रहते हैं, ग्राम से पास है डनमार्क में यूला निग्रा है वहाँ पास है। वैसे अगर आप कोपेनहेगन के शेलर के इलाके में जाना चाहते हैं तो फिर आपको जो है शिप के साथ जाना पड़ता है। तो अब हम पार होंगे बॉर्डर के और पहुंच गए हम, और देख लो कितना आसान है, बस देख आप डनमार्क आ गए जर्मनी से, बस सौदा ले लिए और सस्ता, और अब डनमार्क में इतनी बात थी जी। पठान भाई जी, भाई जैसे आपको पता है अब हम डनमार्क आ गए और कोपेनहेगन के ओर जा रहे हैं, हम यहाँ यूलन में जो कि एक आइलैंड है। मेरे पास एक सवाल है उस्मान भाई। जी जी पूछे पूछे भाई जान, सवाल ये है ना, क्या है तुम्हारा फीलिंग वापस डनमार्क आने का, किस तरह है? ऑनेस्टली मैं अगर बोलूं तो बहुत ही तनाई महसूस कर रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है कि वापस मैं एम्स्टरडम चला जाऊं, क्योंकि वहां इतनी रौनक थी, इतना वो शोर शराबा था, मज़ा आ रहा था, और मेरा दिल कर रहा है वापस एम्स्टरडम चला जाऊं, वहां देखूं और थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार हम जहाज़ पे जाएंगे, ये रोड का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ। बाय रोड भी हमने बहुत कुछ देखा है, और आपका क्या ख्याल है बाय रोड जो एक्सपीरियंस रहा है, कैसे रहा है? रहा अच्छी था, बस थोड़ा सा लॉन्ग था रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग रास्ता था, अच्छा लॉन्ग था। हाँ, और मेरी फीलिंग तुम्हारे फीलिंग की तरह सेम है। अच्छा, बोलो, ड्राइव करो बैक छो एम्स्टरडम नाउ, अगर तुम बहुत ज्यादा खफा हो ना। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं, और इतना अभी टाइम नहीं है कि हम वापस चले जाएं, इंशाल्लाह ताला हम फिर छुट्टी लेंगे काम से और इंशाल्लाह हम जहाज पे जाएंगे जहाँ हमने जाना होगा। ये बस रोड का एक्सपीरियंस हमने करना था तो ये हो गया, दोस्तों को दिखा दिया। जी जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आया हो, ये जो व्लॉग है, जो पिछली भी व्लॉग हमने डाली हैं वो भी आपको पसंद आई हो, और जिन्होंने पुरानी व्लॉग्स नहीं देखी वो भी देख लें। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए नीचे पानी समुंदर, और वहाँ आगे है, जैसे आप जूम करके आपको दिखा दिए, टुल प्लाजा पैसे जाएंगे।
पैसे तो लेते हैं और आप ये जो दोस्तों ये जो बट्टा सा है, सॉरी बट्टा नहीं पता नहीं क्या है, ये ऐसे लगा दें और फिर हम अभी हम रवाना हो रहे हैं स्लोली स्लोली। ऐसे ऑप्शन से आपके पास क्रेडिट कार्ड पे या कैश पे या अपने आप नंबर प्लेट इनकी टोल प्लाजा के वेबसाइट पे रजिस्टर कर लें, फिर आपको ये भी नहीं लगाना पड़ेगा और फिर आप ऐसे ही जा सकते हैं। हमारे पास ये है तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए ग्रीन हो गया, मजा आ रहा है, पहुंच गया। वहां पुलिस खड़ी थी, पठान भाई थोड़े घबरा गए, कोई नहीं चलता है पठान भाई। आप देखे कोपेनहेगन, यहाँ लिखा है कोपेनहेगन, इसका मतलब है कोपेनहेगन। दोस्तों हम कोपेनहेगन आप जा रहे हैं, जब हम पहुंच जाएंगे तब आप लोग बताएंगे। दोस्तों देखो अब हम हाईवे की एग्जिट पे आ गए और कोपेनहेगन में आ गए वापस। हाय गाइस, आप बच्चे आ गए हैं, चक्कर लगा के सुबह इंशाल्लाह आप देखेंगे, रात को ये वीडियो लगा देंगे आप देखेंगे, और कमेंट में लिखिएगा कैसा इनका टूर रहा। टूर के बारे में आपने लिखे हैं अगला जो है आपने बताना है कमेंट में कि कौन सी जगह जाएं, तो इंशाल्लाह हम जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी राय के बताओ जाएंगे जहाँ पे आप कैब में वहाँ पर गाड़ी जाने को तैयार है। आप वेट कर रहे हैं आपके चार्ज का यूरोप पर या यूरोप से बाहर। तो अब हम वापस आ गए आम्स्टरडम से और हैम्बर्ग से और डेनमार्क वापस आ गए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हैम्बर्ग की सफर की व्लॉग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसी बात पे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।